नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मैं आज आ चुका हूँ एथर एनर्जी के एक्सपीरियंस सेंटर पर। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेशन का। इसमें रिव्यू नहीं होगा, रिव्यू का आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारे साथ में अर्जुन आनंद जी हैं जो कि ढेर सारे सवालों का जवाब देंगे, जिसमें फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और कंपनी के जो ऑफर्स आते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, डिलीवरीज कैसी चल रही हैं और कैसे बुकिंग कर सकते हैं, ये सारे सवाल जो हैं और फाइनेंस के बारे में हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरुआत सबसे पहले ये करेंगे कि काफ़ी लोगों के वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये बात यह है कि दरअसल वो पुराने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वो जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से उसका टॉप स्पीड, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। अच्छा, आप ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चला सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी एक 125 सीसी कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन इसका पावर 26 न्यूटन मीटर्स है, वो लगभग एक 180 सीसी गाड़ी का पावर है, इसीलिए इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए यू राइट के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्कूटर एथर के आते हैं उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। सही। यानी जो एक पेट्रोल व्हीकल में जिस तरह से नंबर अलॉट होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी कंपनी अवेलेबल कराती है। सही है। तो हमारा यहाँ ऑन रोड प्राइस आता है चेन्नई में 1,66,000 A50X के लिए, जिसमें गाड़ी का इंश्योरेंस भी कवर्ड है, रजिस्ट्रेशन भी। इंश्योरेंस में नॉर्मल गाड़ी का जैसा फर्स्ट ईयर कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस और नेक्स्ट 4 साल के लिए थर्ड पार्टी भी कवर्ड है, नॉर्मल गाड़ी का जैसा। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल आप पेट्रोल के स्कूटर परचेज करते हैं, उसी तरह अगर आप एथर के साथ में जाते हैं तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बाकी सारी पॉलिसीज वही होती हैं कि मतलब उसमें भी इंश्योरेंस का क्लेम होगा और उसमें भी DL की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी नंबर अलॉट होगा। इसके साथ में आपसे मैं जानकारी ये चाहूँगा कि फाइनेंस का क्या प्रोसेस है, फाइनेंस होता है या नहीं होता है, या कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, क्या डाउन पेमेंट्स होते हैं, इसमें भी नॉर्मल जैसे पेट्रोल के स्कूटर्स के साथ में होता है वैसे ही होता है या कुछ डिफरेंट है? ठीक है, तो जब आप फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एथर का टाइप है दो बैंक, एक है हीरो फिनकॉर्प जो हीरो ग्रुप से है और दूसरा IDFC बैंक। तो अभी के लिए ये दोनों हमारा टाइप्स है, कस्टमर्स बाहर भी लोन ले सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा टाइप्स है वो हीरो फिनकॉर्प और IDFC। हीरो फिनकॉर्प में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9 है, वो टू व्हीलर मार्केट में थोड़ा कम है। उसका टेन्योर 5 साल तक है और 25,000 है उसका मिनिमम डाउन पेमेंट। और IDFC 25,000। तो उसमें एक्स्ट्रा पेपर्स लगते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट के लिए, लाइक ITR, इनकम प्रूफ या NIP पे हो जाता है, यानी नॉन इनकम प्रूफ पे हो जाता है 25? जी, आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है, आप एक नॉर्मल लोन प्रोसेस के जैसा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सैलरी है तो आपका सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट, अगर आप बिजनेस चला रहे तो ITR डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, वो सब नॉर्मल प्रोसेस जैसा ही। तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप नॉर्मल से स्कूटर लेने जाते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है या आप इनकम प्रूफ देते हैं इनको या ITR फाइल करते हैं तो मिनिमम DP 25,000 तक हो सकती है, और जो टेनर होता है यानी जो EMI है वो लगभग 5 साल तक भी आप करा सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ हम कह सकते हैं कि आप छोटी EMI लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं ताकि आप पर ज़्यादा बोझ ना आए। इसके साथ में आपसे एक और जानकारी चाहूँगा मैं कि क्या प्रोसेस है परचेज करने का, एक जैसे नॉर्मल स्कूटर लोग जाते हैं शोरूम पे विज़िट करते हैं और परचेज कर लेते हैं, तो एथर में क्या वो फैसिलिटी है या फिर जो है प्री बुकिंग और उसके बाद हमें इंतज़ार करना होगा फिर उसके बाद डिलीवरी होगी? तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। वो प्रोसेस ये है कि फर्स्ट आपको एक प्री ऑर्डर करना है, एक बुकिंग जैसा, अभी 2,500 बुकिंग का अमाउंट, उसके बाद आप फुल पेमेंट कर सकता है। जब आप फुल पेमेंट करें तो उसके बाद आपका इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस जब आप इंश्योरेंस भी कंप्लीट करें तो उस दिन से लगभग 14 डेज है डिलीवरी टाइम, वो वेटिंग पीरियड नहीं है। ये गाड़ी के लिए सब्सिडी है, रजिस्ट्रेशन सब कुछ है, तो ये सब कंप्लीट करके लगभग
12 to 15 days नहीं, में अगर कोई कस्टमर शोरूम विजिट करता है और आज वो विजिट करता है, आज उसने टोकन मनी या जो बुकिंग का पैसा है 2500 उसने जमा कर दिया, तो उसके बाद जो डिलीवरी कब होगी मैं ये जानना चाहता हूँ। तो डिलीवरी टाइम स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फुल पेमेंट, फुल पेमेंट के बाद ही वो टाइमलाइन शुरू होता है। अगर वो सेम डे फुल पेमेंट कर देता है तब उसके कितने दिन बाद डिलीवरी हो जाएगी? तो लगभग 12 टू 15 डेज है यूजुअल टाइम, बिकॉज इसके साथ सब्सिडी आता है, गवर्नमेंट सब्सिडी, वो क्लेम प्रोसेस सब एथर ही करता है, इसीलिए थोड़ा टाइम हमें चाहिए वो सब क्लेम करके 12 टू 15 डेज में आपको सब प्रोसेस कंप्लीट करके गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ये 1,66,000 जो एथर 450X का जो प्राइस है, ये इसमें लेस करने के बाद आता है कि 166 में बाद में कुछ कस्टमर को रिफंड होता है? नहीं, तो 1,66,000 में ऑलरेडी कम हो चुका है, ऑलरेडी कम हो चुका है। और क्या ये अदर स्टेट्स में जैसे दिल्ली है या महाराष्ट्र में है, तो क्या वहाँ पर प्राइसेस इसके अलग हैं या कंपनी उसी रेट पे देती है और वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ऐसा कुछ है? तो प्राइस लगभग सेम ही होता है, डिफरेंस आता है ये गवर्नमेंट सब्सिडी का। तो ये 29,000 है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी जो थ्रू आउट सेम ही है। कुछ स्टेट्स में आपको रोड टैक्स है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और कुछ से इसमें स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी है इसीलिए थोड़ा कम भी रहता है। तो 1,66,000 है चेन्नई का प्राइस, फॉर एग्जांपल दिल्ली में थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ लोकल दिल्ली गवर्नमेंट वहाँ पे रिलैक्सेशन देती है टैक्सेस में। इसके साथ में आपसे एक जानकारी और चाहूँगा मैं कि जैसे नॉर्मल कंपनीज़ में अगर जाते हैं तो वहाँ पर कई बार डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है, क्या ऐसा कुछ कंपनी में आपके साथ आपकी कंपनी में ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, या फेस्टिवल टाइम पे ऐसा कुछ ऑफ़र वगैरह आता है कि इतना डिस्काउंट है, ऐसा कुछ अभी तक कंपनी लेकर आई है या फ्यूचर में लाएगी, ऐसा कुछ है कि नहीं? तो अभी तक कुछ डिस्काउंट नहीं है, ये तरह एक बिल्कुल सा नया कंपनी है तो ये डिस्काउंट का फीचर वी हैव नॉट स्टार्टेड ऑफ, अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है। इसके साथ में एक जानकारी और मैं आपसे चाहूँगा कि क्या सर्विस का क्या प्रोसेस है, आज अगर स्कूटर कोई कस्टमर आपसे परचेज करता है फिर उसको क्या वारंटी क्या गारंटी मिलेगी और क्या सर्विसेज क्या हैं उसके बारे में? तो हमारा गाड़ी में मेन कॉम्पोनेंट्स है बैटरी, मोटर, बेल्ट, टच स्क्रीन, डैशबोर्ड। तो हमारा बैटरी एक बहुत ही एडवांस बैटरी है, ये गाड़ी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5 साल लिया था और उसमें 3 साल बस वो बैटरी के लिए बस, इट वाज ओनली फॉर द बैटरी। सो बैटरी का वारंटी है 3 साल, 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर, उसको किलोमीटर लिमिट कुछ भी नहीं है। मोटर, बेल्ट, टच स्क्रीन सब व्हीकल वारंटी में आता है, वो है 3 साल या 30,000 किलोमीटर, वही है उसका वारंटी। और जब आप सर्विस के बारे में पूछ रहे तो शेड्यूल्ड सर्विसेज है एवरी 5,000 किलोमीटर या फिर एवरी 6 मंथ्स, वही है रेकमेंडेड टाइम लाइन। ओके, तो सर्विस में क्या होता है? एक जनरल सर्विस में हमारा गाड़ी में बैटरी, मोटर का चेकअप है, बेल्ट का रीअलाइनमेंट होता है, ब्रेक्स चेक होता है और ब्रेक फ्लूइड रीफिल होता है। तो एना लगभग 1,300 to 1,500 रुपीस आएगा एक जनरल सर्विस के लिए इंक्लूडिंग लेबर। अच्छा, तो इसमें जैसे नॉर्मल स्कूटर्स में होता है जो पेट्रोल वाले स्कूटर में कोई 4 सर्विस फ्री देता है या 5 सर्विस फ्री देता है, ऐसा कुछ है इथर में या नहीं? अभी के लिए फ्री सर्विस कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। ऑन दी अदर साइड हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन प्लान जैसा है, आपका एक एनुअल प्लान ले सकता है, सर्विस प्लान भी है, कनेक्टिविटी प्लान भी है। ये सर्विस प्लान लगभग 2,800 रुपीस का है इंक्लूडिंग GST सब। उसमें आपका शेड्यूल्ड सर्विसेज, लेबर कॉस्ट, कंज्यूमेबल्स, चार्ज रनआउट, पंक्चर असिस्टेंस और रोड साइड असिस्टेंस सब कवर होता है और ईयरली 2 सर्विसेज आता है इसमें। ओके, एक चीज़ और मुझे जानकारी चाहिए कि अभी ये लिमिटेड सिटीज़ में है एथर, तो कंपनी की अभी क्या प्लानिंग है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है कि अभी कितनी जल्दी दूसरे सिटीज़ में कंपनी एक्सपेंड करेगी डीलरशिप्स? तो टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड, एज वी आर स्पीकिंग कंपनी एक्सपैंड होता ही जा रहा है। अभी बैंगलोर, चेन्नई था एथर का इनिशियल 2 मार्केट, अभी मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद में स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद स्लोली स्लोली इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ज़रूर यू कैन सी एथर इन अ लॉट ऑफ अदर सिटीज़।
तो ये हमारे साथ अर्जुन आनंद थे जिन्होंने आपके कई सवालों के जवाब दिए और हमारे कई सवालों के जवाब दिए। अर्जुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।